नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। आज की बड़ी खबर आपको दे दें, विंटर ओलंपिक्स में गलवान में घायल चीनी सैनिक को बनाया गया है टॉर्च बेयरर। भारतीय सैनिकों के साथ हुई झड़प में घायल हुआ था यह सैनिक। आपको याद होगा 15 जून 2020 को लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी। 4 से 20 फरवरी के बीच बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स का आयोजन होना है। अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों ने इसका बहिष्कार किया है। खिलाड़ियों को चीन भेजा है लेकिन राजनयिकों को नहीं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। विंटर ओलंपिक्स का जो आयोजन हो रहा है उसमें घायल चीनी सैनिक को टॉर्च बेयरर बनाया गया है। ये सैनिक भारतीय सैनिकों के साथ जो झड़प हुई थी उसमें घायल हुआ था। लद्दाख की गलवान घाटी में यह हिंसक झड़प हुई थी 15 जून 2020 को। और डिटेल्स ले लेते हैं, हमारे सहयोगी मनीष इस वक्त हमारे साथ हैं। मनीष, गेम्स का आयोजन है और ऐसे में राजनीति को तो दूर रखा जाना चाहिए था, और ऐसे बड़े आयोजन में जो घायल चीनी सैनिक है उसको टॉर्च बेयरर बनाना, ये क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? देखिए मीमांसा, विंटर ओलंपिक गेम्स शुरू होने वाले हैं और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। इंडिया की टीम जाने वाली है, 3 से 4 बहुत ही छोटी टीम है, क्योंकि विंटर ओलंपिक्स, विंटर गेम्स इंडिया में ज्यादा नहीं खेले जाते, इसलिए टीम भी छोटी है। लेकिन जब ये गेम शुरू हुए, बीजिंग ओलंपिक्स के जो गेम होने थे उसके काफी पहले से दुनिया भर के कई देशों का बायकॉट करना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले से आवाज उठ रही है चीन के अंदर की जो उइगर मुसलमान है जिनके साथ अच्छी काफी बहुत तरीके से उनको काफी यातनाएं दी जा रही हैं। इसके साथ ही चीन के अंदर जो ह्यूमन राइट्स की कंडीशन है उसको लेकर के पूरी दुनिया में आवाज उठ रही थी। दुनिया एक आवाज उठा रही थी कि चीन के जो विंटर ओलंपिक्स है बायकॉट किया जाए। भारत पे इस बात का प्रेशर था, लेकिन उसके बावजूद भारत सरकार का डिसीजन था कि हमारे खिलाड़ी विंटर ओलंपिक्स में जाएंगे। लेकिन आप ये देखिए कि गेम शुरू होने वाले हैं और उसके पहले उन्होंने गालवान में जो क्लैश हुआ था जिसमें चाइना के सैनिक बुरी तरीके से घायल हुए थे, काफी उनके सैनिक के मारे जाने की रिपोर्ट थी, करीब 50 से ज्यादा उनके सैनिक के मारे जाने की रिपोर्ट आई थी, उसको उन्होंने यूज किया है एक तरीके से टॉर्च बेयरर के तौर पर। पीएलए के उस सैनिक को जो घायल हुआ था उसको जो भी खिलाड़ी आएंगे वेलकम के तौर पर, टॉर्च बेयरर के तौर पर उसको वहां लगाया गया है। और बाकायदा चीन की स्टेट मीडिया ने इस पिक्चर को उन्होंने पब्लिश किया है, उन्होंने इस बात को कहा है कि हमारे जो सैनिक हैं गालवान वैली में उनको टॉर्च बेयरर बनाया गया है। अब ये भारत के लिए बड़ी एक अजीब स्थिति है, क्योंकि अब तो आपने टीम भेजने का फैसला कर लिया है और जाहिर तौर पर इस पर सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या ऐसी स्थिति में भारत को अपनी टीम भेजनी चाहिए जब दुनिया बायकॉट कर रही हो। और यहाँ पर चीन ने भारत को एक तरीके से प्रोवोक करने की कार्रवाई की है। एक तरफ हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, बातचीत के जरिए जो भी हमारे डिस्प्यूट हैं एलएसी पर उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार डिप्लोमेटिक लेवल पर भी कोशिश हो रही है। लेकिन चीन को आप देखिए, कुछ दिनों पहले उन्होंने हमारे अरुणाचल प्रदेश में एक यूथ को पकड़ के लेकर के गए, उन्होंने उसको कैप्चर किया और भारत सरकार ने हाई लेवल पर जब बातचीत की, आर्मी ने बातचीत की, तब उन्होंने 5-6 दिन बाद छोड़ा। और अब उसके बाद सिर्फ 4-5 दिन बाद इस तरीके की पिक्चर को रिलीज करना और ये मैसेज देना दुनिया भर को, तो दुनिया के लिए भले ही ये एक नॉर्मल चीज लगे लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उन जवानों के बारे में सोचना होगा जो जवानों ने शहादत दी हमारे देश के लिए गालवान में। और चीन इस स्टेज को, जब पूरी दुनिया की निगाहें विंटर ओलंपिक्स पर हैं, उन्होंने इसको भी नहीं छोड़ा है। भारत को एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि भारत को नीचा दिखाने की उन्होंने कोशिश की है। जी, जो अब ये नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है और ये तस्वीर भी अब सबके सामने है, और इस तस्वीर के जरिए क्या संदेश चीन देने की कोशिश कर रहा है ये भी हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं मनीष। तो ऐसे में जो खिलाड़ियों को भेजने का फैसला है, क्या इसको लेकर एक सेकंड थॉट आ रही है? क्या सरकार इस पर पुनर्विचार कर सकती है? देखिए मीमांसा, अभी तक हमारी ये कोशिश थी कि हमें चीन से रिलेशन बना के रखने हैं, चीन से बैलेंस रिलेशन बनाने हैं और कोशिश करनी है कि बातचीत के जरिए सारे मामलों का सोल्यूशन हो जाए। अभी अगर आप देखें तो इंडिया में भी कुछ चाइना के खिलाड़ी आए हुए हैं, गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये दोनों तरफ से ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी होती है। जब बहुत ऐसे हमने पाकिस्तान के साथ देखा है कि जब भी बहुत टेंशन तनाव होते हैं तो स्पोर्ट्स या कल्चरल एक्टिविटीज की जाती है, क्योंकि आप रिलेशन बंद नहीं करते हैं।
तो हमें उम्मीद थी, हमें समझते थे कि चीन इस बात को रिस्पेक्ट करेगा और समझेंगे कि बॉर्डर क्लैश दूसरी चीज है, लेकिन इसके साथ पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, कल्चरल रिलेशन, स्पोर्ट्स में एक खेल भावना का सम्मान होना चाहिए। यहाँ ये खेल भावना बिल्कुल नहीं है जब आप उस सैनिक को, अपने पीएलए के सैनिक को टॉर्च बेरर बनाते हैं, जो जिसको दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरीके से गालवान में लड़ा था। ये चीजें दूर रखने की जरूरत है। लेकिन अब चूंकि आज ही करीब 6 घंटे पहले 7 घंटे पहले चीन की मीडिया ने इस तरीके की पिक्चर रिलीज करने शुरू की है, जाहिर तौर पर भारत सरकार इसको लेकर के सोचेगी, लेकिन शायद खिलाड़ी निकल चुके हैं या निकलने वाले हैं और ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई फैसला हो जाएगा कि नहीं हम अपने खिलाड़ियों को नहीं भेजेंगे, खिलाड़ियों को बुला लेंगे। अभी इस बारे में कोई इस तरीके की बात नहीं हो रही है, लेकिन जाहिर तौर पर इसको लेकर के सवाल भी उठेंगे और भारत सरकार के लिए भी एक अच्छी भी स्थिति होगी कि ऐसी स्थिति में जब वो रिलेशन को मेंटेन करना चाहते हैं चीन की तरफ से इस तरीके की हरकतें की जा रही हैं। जी, चीन की ये नापाक हरकत और इस तरह से एक टॉर्च बेरर उस सैनिक को बना दिया जाता है जो कि भारतीय सैनिकों के साथ झड़प में घायल हुआ था और उसी को एक टॉर्च बेरर बनाकर चीन आखिरकार क्या संदेश देना चाहता है और इन विंटर ओलंपिक गेम्स के आयोजन से पहले, विंटर गेम्स का आयोजन जो हो रहा है उससे पहले ये एक तरह से कह सकते हैं फेक राष्ट्रवाद जो है चीन का वो सामने आया है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।